हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीडीटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 8/2020, जो कि रिसेंटली इशू हुआ है, डेटेड 13 अप्रैल 2020। और इस सर्कुलर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TTS TCS ड्यू टू इंक्रीज रेट्स इन सरचार्ज बाय फाइनेंस एक्ट 2019। आपको जैसा कि पता होगा, 5 जुलाई 2019 को फाइनेंस एक्ट 2019 पास हुआ था, जिसमें एक एनहांस्ड सरचार्ज रेट्स के लिए बताया गया था। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरचार्ज बिफोर द एक्ट, एनहांस्ड सरचार्ज रेट प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, जिसमें 2 करोड़ रुपीज़ बट लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ के लिए 5 से एनहांस होकर 25% हो गया है, और 5 करोड़ रुपीज़ एंड अबव से 15% से चेंज होकर 37% हो गया है। ये एनहांस रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, दैट इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, विच इज़ रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2020-21। दस एवरी पर्सन रेफर टू अबव इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन एनहांस रेट ऑफ सरचार्ज। फर्दर TCS and TDS under the various provisions of income tax is required to be deducted or collected after taking into account the enhanced rate of surcharge. यानी कि उन्होंने कहा था कि for the previous year 2019-20 they have to consider this enhanced rate of surcharge for even for the TDS and TCS provisions. But after this CPDT के पास बहुत सारे लोगों ने अपना कंसर्न रेस किया और बोला कि 5 जुलाई 2019 से पहले ही उन्होंने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने जो एनहांस रेट ऑफ सरचार्ज था उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया, दस दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज SSE इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इतने सब कंसर्न आने के बाद CPDT ने उस पर एग्जामिन किया और क्लैरिफाई किया कि इफ़ द SSE हैज़ फुलफिल द फॉलोइंग पॉइंट्स देन द SSE विल नॉट बी कंसीडर्ड एज SSE इन डिफॉल्ट। हैज़ पॉइंट नंबर 4, द अबव इशू हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड द बोर्ड इन दिस रिगार्ड हैज़ क्लैरिफाइड दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन या कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज SSE इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस वेयर ऑल दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ABCD, where all these 4 conditions are satisfied, then the SSE will not be considered as SSE in default. Let's study what all these conditions are. A point, such transactions has been completed and entire payment has been made to deductee payee on or before 5 July 2019. Hence, उन्होंने बोला कि entire transaction complete हो चुकी होगी और entire payment भी मेड हो चुकी होगी टू द डिडक्टी बिफोर 5 जुलाई 2019 एंड देर इज़ नो सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन द डिडक्टर एंड द कलेक्टर सॉरी बिटवीन द डिडक्टर कलेक्टर एंड द डिडक्टी पे इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर विच द शॉर्टफॉल ऑफ द टैक्स कुड हैव बीन डिडक्टेड या कलेक्टेड बाय द डिडक्टर या कलेक्टर। हेंस उन्होंने बोला कि 5 जुलाई से पहले पहले पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, पेमेंट हो चुका होगा एंड इन दैट फाइनेंशियल ईयर देर इज़ नो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन द डिडक्टर एंड द डिडक्टी देन दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज SSE इन डिफॉल्ट। सेकेंड पॉइंट, TDS हैज़ बीन डिडक्टेड और TCS हैज़ बीन कलेक्टेड बाय सच डिडक्टर कलेक्टर ऑन सच सम एज पर रेट्स इन फोर्स एज पर द प्रोविजंस प्रायर टू द एनएक्टमेंट ऑफ द एक्ट। That is, जो उन्होंने 5 जुलाई 2019 से पहले TDS डिडक्ट किया होगा या जो TDS कलेक्ट किया होगा वो करेक्टली उन्हीं रेट्स पे किया होगा जो एक्ट आने से पहले था, तो इन दैट केस ऑल्सो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज SSE इन डिफॉल्ट। सी पॉइंट, सच टैक्स डिडक्शन कलेक्शन हैज़ बीन डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द डिडक्टर कलेक्टर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट द सेम, वो अमाउंट जो है बिफोर ड्यू डेट डिपॉजिट हो चुका होगा। एंड डी पॉइंट, उनका TDS TCS स्टेटमेंट
स्टेटमेंट फर्निश करते हैं सच पर्सन ऑन बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सेट स्टेटमेंट। अगर एसएससी अपना टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट फर्निश कर देता है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न, देन ही और शी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। हेंस दीज ऑल फोर कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू नॉट टू बिकम द एसएससी इन डिफॉल्ट। फिफ्थ, हाउएवर इफ द पर्सन फेल्स टू फुलफिल एनी ऑफ द कंडीशंस लेड अबव, अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशंस आप मेट नहीं करते हो, देन सच पर्सन विल विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डिडक्शन या कलेक्शन नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट। तो अगर ये चारों कंडीशंस आप पूरे नहीं कर रहे हो एंड स्टिल पर्सन ने कुछ शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस किया है, तो वो इस सर्कुलर का बेनिफिट नहीं ले सकता एंड ही विल बी कंसीडर्ड एज एसएससी इन डिफॉल्ट। फर्दर, इफ द डिडक्टर कलेक्टर हैज़ डिडक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स आफ्टर 5 जुलाई 2019 from the transactions made subsequently after the said date, interest if any for the delayed in deduction of tax shall not be levied, and the above deduction does not absolve the deductee to pay proper tax including enhanced surcharge by advance tax or self-assessment tax and a filed return of income after paying tax. Hence circular suggests karta hai ki SSC apna tax properly pay kare and file kare apni return of the income. ये रिलैक्सेशंस ओनली इन फ्यू कंडीशंस ही दिया गया है, हेंस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर, यू मस्ट गो थ्रू इट एंड वी हैव वेल एक्सप्लेन्ड दिस। थैंक यू सो मच।